टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर NH91 हाईवे पर दो घोड़ा गाड़ी के बीच हुई रेस का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि वीडियो का संज्ञान लेकर महामारी एक्ट और बिना अनुमति हाईवे पर रेस कराने का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वो आखिर कौन लोग हैं जो बिना किसी अनुमति हाईवे पर घोड़ा गाड़ियों की रेस करा रहे थे। दरअसल दो घोड़ा गाड़ी के बीच हाईवे पर दौड़ कराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सिकंदराबाद NH91 का बताया गया। तेईस सेकंड के वीडियो में जहां दो घोड़ा गाड़ी आपस में दौड़ करती नजर आ रही हैं, तो वहीं घोड़ा गाड़ियों के इर्द गिर्द बाइकों पर सवार कुछ लोग भी वीडियोस में नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया गया कि सट्टेबाजों ने इस दौड़ पर लाखों रुपए का सट्टा लगाया था। साथ ही दावा किया गया कि ये रेस आज सुबह सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र वीर खेकड़ा गाँव से चंदेरू गाँव तक हाईवे पर कराई गई थी। वीडियो देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि घोड़ा गाड़ियों की इस दौड़ में कैसे हाईवे से गुजरने वाले लोगों की जान को खतरे में डाला गया। आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसका संज्ञान लेते हुए सिकंदराबाद थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है। उस वीडियो को देखकर और जो भी घटना हुई है वीर दौड़ कराते हुए, उस पर हम लोगों ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत जो भी सुसंगत धाराएं उसमें अभियोग पंजीकृत किया अज्ञात लोगों के खिलाफ। और इसका हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो इस तरह की बिना परमिशन के दौड़ करा रहे हैं। हालांकि वीडियो संज्ञान में आने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अब आरोपियों पर कार्रवाई करने का दावा कर रही है। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।